हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIS क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, जिसका कोड 212 है। इस सब्जेक्ट के जो है मैं आज आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं देने वाली हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस का पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जिनको सिलेबस का नहीं पता है। तो पहले मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ विदाउट स्किप किए, जो है वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। तो पहले आप लोग देख लो बाइफ्रिकेट ऑफ सिलेबस, बाइफ्रिकेट किया गया है सिलेबस को, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स 32, जैसे कि आपको पहले टोटल लेसन्स आपको पढ़ने पड़ते थे, TMA वाले चैप्टर्स भी आपको पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे TMA वाले चैप्टर्स जो हैं नंबर ऑफ लेसन 13, टोटल TMA वाले चैप्टर्स जो हैं 39 हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, क्योंकि इन चैप्टर्स में से आपके क्वेश्चन आंसर्स बन करके नहीं आएंगे। अब कहाँ से आपके पेपर के मतलब क्वेश्चन जो है बन करके आएंगे? पब्लिक एग्जामिनेशन 60%, नंबर ऑफ लेसन 19, टोटल 19 चैप्टर्स जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, यहीं से जो है आपके क्वेश्चन पेपर जो है आपका बनेगा, ठीक है। इन्हीं चैप्टर्स पर आपको फोकस करना है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं आप लोग नोट डाउन फटाफट से कर लो, लेसन 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, ठीक है। इधर वाले चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं ध्यान देने, क्योंकि ये समझ लो आपके एग्ज़ाम में आना ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 27 है, 28, 29, 30, ये चैप्टर्स जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो इन्हीं पे आपको पूरा का पूरा फोकस रखना है। अब क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, मैक्सिमम आपके 85 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर रहेगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम कितने मार्क्स लाने जिससे हम पास हो जाएंगे, तो आपको 33% आपको लाने हैं तब जा कर के आप अपने एग्ज़ाम में पास हो जाते हो, ठीक है। यहाँ पर टाइमिंग जो है 2.5 घंटे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इसी टाइम के अंदर आपको आपका पेपर जो है कंप्लीट करना है। अब वेटेज बाई ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज बेस के ऊपर 30% मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है 45% मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, एप्लीकेशन में क्या है 15% मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहने वाले, स्किल में है 10% मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर जो है रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैम हम लोग किस तरीके के पेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। ब्लू पेन जो है आपको आपके आंसर लिखने में यूज़ करना है, ठीक है। ब्लैक पेन आपको यूज़ तब करना है जब आप लोग कोई भी चीज़ हाईलाइट करके लिखोगे, ठीक है ना, तब जाके आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे वेटेज बाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, MCQ क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि विथ 2 सब पार्ट्स में आपके रहने वाले हैं, सेकेंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपके विथ 5 सब पार्ट्स में 1 मार्क करके ईच रहेंगे। देन उसके बाद जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन आंसर्स जो है रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2024 या फिर अक्टूबर 2024 सेशन में देने वाले हैं, तो ये नोट्स उन स्टूडेंट्सों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे मिस ना हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ पे मैंने 100+ क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के नहीं आओगे। 1 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर में आपको लिखना कैसे है ये भी आपका डाउट है, ठीक है, ये भी डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। और बहुत सारे बच्चे आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन के साथ आप लोग कोई नंबर दे के क्वेश्चन लिख देते हो, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। सपोज़ डैट आप यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे करके आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। अब आंसर लिखने में भी आप क्या गलती करते हो, अब जैसे कि यहाँ पे इसका जो आंसर बी वाला राइट है, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर बी दे करके छोड़ दिया। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन के साथ जो आपने नंबर आंसर के साथ जो नंबर दिया है उसके साथ जो आंसर ये लिखा हुआ है ये भी यहाँ पर आपको लिखना है, तभी जाके आपके मार्क्स मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम क्या हम जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। जेल पेन का यूज़ तो आप लोग गलती से भी नहीं करना, गलती से भी अगर करोगे टीचर्स जो है आपकी फ़ाइल हो सकता है चेक ना करें, या फिर हो सकता है कि आपको ये मतलब आंसर शीट में जो है, काफ़ी बार जेल पेन से ऐसा होता है कि सपोज़ दैट आप लोग कोई मतलब पानी वगैरह गिर गया या कुछ भी हुआ, ठीक है, उससे क्या है आपका पूरा पेपर ही मतलब बेकार हो गया, ठीक है। इसीलिए आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन ही जो है, मैंने कहा है पहले भी, उसी को आपको यूज़ करना है, ठीक है। फटाफट से जो है आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करो और फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लिया करो और अच्छे तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो हमारी वीडियो से। चैनल पे अगर आप लोग अभी नए हो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखो, कि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे मैं डालती रहती हूँ, जिससे कि आप लोग एक अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक्स नहीं मिली है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बुक्स मिलती भी नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम पास है बुक्स नहीं मिली, क्या करें कैसे पढ़ना है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको पूरी की पूरी गाइडेंस जो है देती हूँ, तो आप लोग यहाँ से प्रिपरेशन जो है आप लोग कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको बुक्स मिलने के बावजूद वो लोग अच्छी स्टडी आप लोग कर ही नहीं पाते, क्यों? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल रही, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि चलो एग्ज़ाम आएगा पास तब हम पढ़ लेंगे, बहुत सारे ये सोचते हैं कि बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है, चलो आराम से हम लोग करके आ जाएंगे, है ना। लेकिन जब एग्ज़ाम पास में आता है तब आप लोग क्या करते हो, परेशान होते हो कि अभी तो कोई प्रिपरेशन हमारी हुई नहीं, कैसे एग्ज़ाम देंगे, क्या करेंगे, है ना। तो ये चीज़ जब आप एग्ज़ाम देने वाले रहते हो तो उससे पहले आपको ये सोच करके रखना चाहिए ना कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, तो उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखोगे तभी जा कर के अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। जो अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस रहते हैं वो स्टूडेंट मेहनत भी अच्छी करते हैं, ठीक है, तो उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ सोच लिए अच्छा स्कोर करना है लेकिन मेहनत उसके लिए कुछ नहीं की, तो फिर आपके मार्क्स भी कैसे आएंगे। और कोई भी टीचर क्यों ना हो एक रात में आपको कोई ऐसे नोट्स नहीं दे देंगे कि आप एक ही रात में जाके टॉप बन मतलब टॉपर बन के आ जाओगे, है ना। तो पहले से ही आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो है करके रखा करो ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आपसे ना हो, दिक्कत परेशानी, जिससे कि आप लोगों को अगेन NIS बोर्ड में एग्ज़ाम देना पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने बहुत सारे रीजंस की वजह से ही आप लोग NIS बोर्ड में आते हो, ठीक है ना, तो उस चीज़ का ध्यान रख के आप लोग अच्छे तरीके की प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए सोचते हैं कि नहीं चलो हमारे बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके निकल जाएंगे, लेकिन आप लोग एक सीरियस तरीके से स्टडी को नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए ये दिक्कत परेशानी जो है आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एंड अदर सब्जेक्ट्स भी जो है मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँगी, जिससे आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन जो है कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही PDF लेकर के जो है हमारे यहाँ से नोट्स की अपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर ली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियो का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो देख करके नहीं बनाना, आप चाहते हो PDF मिल जाए, तो यहाँ पे ये दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके फ़ीस को पे करके आप ये PDF लेकर के अपनी स्टडी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाओगे। और यहाँ पे जितने भी मैंने MCQs दे रखे हैं अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना। और दूसरी बात ये है चीज़ों को रट के प्लीज़ मत जाना आप लोग, है ना, रट के जाओगे आप लोग तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ के पढ़ के जा रहे हो आप, तो आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि अगर क्वेश्चन पेपर में जो है आपको नेचर चेंज करके भी दे दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को समझ तो सकोगे ना कि ये क्वेश्चन सेम है लेकिन इसका नेचर बदल दिया गया और आंसर आपको वही लिखना है, लेकिन आप लोग यहीं पे गलती करते हो जिसकी वजह से आप फेल होने का आपका रीज़न रहता है। फिर आप लोग बोलते हो कि मैम हम तो ऐसा करके गए थे लेकिन हमारा ये क्वेश्चन आया नहीं। तो अगर आप चीज़ों को रट रहे हो, रटना बहुत ही गलत है, रटो नहीं चीज़ों को, समझ समझ के पढ़ोगे तो आप आगे जा कर के कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। चीज़ों को रटना नहीं है, रट के जाने वाले इंसान, आप सोचो कोई भी चीज़ आप रट के जा रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को अगर आप भूल गए तब क्या करोगे, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर आप समझ के जा रहे हो, है ना, तो समझी हुई चीज़ें दिमाग से नहीं निकलेंगी आपके, लेकिन रटी हुई चीज़ें आपकी दिमाग से निकल जाती हैं। और रही बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं मैम हम याद तो करते हैं, ठीक है, लेकिन माइंड सेट से हमारे निकल जाता है, उसके लिए हम क्या करें,
तो मैं आप लोगों को एक ही मतलब सजेशन दूंगी, वो मेरा पर्सनली जो है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप हमेशा कॉपी पेन जो है ले करके बैठा करो, जो चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करती है, जिस चीज़ के लिए आप लोग परेशान ज़्यादा होते हो कि नहीं मैम इस चीज़ में हम थोड़ा वीक है या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर के उस चीज़ों को लिखो। लिख करके जब आप याद करते हो ना, वो चीज़ें आपके माइंडसेट में अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं, जिससे कि आप लोग कभी भी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप लोग सिर्फ बुक्स को रीड एक बार कर लिया, दोबारा उसका रिवीजन भी नहीं किया, तो आप तो ऑब्वियसली वो चीज़ें भूलोगे ही। चीज़ें रिवीजन जितनी ज़्यादा बार आप करते हो तो वो चीज़ें एक इतने अच्छे तरीके से आपके माइंडसेट में बैठ जाती है कि आप उसको भूलोगे नहीं, इतना कन्फर्म है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो आपके लिए आगे भी एग्ज़ाम में काम आएंगी, ठीक है। अभी तो आपका टेंथ है, टेंथ के बाद आप लोग 11th 12th वगैरह भी अगर अनदर बोर्ड से करते हो या NS से ही भी करते हो आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो अगर आप लोग बात मान के चलते हो तो आपके लिए बेनिफिट है। जो स्टूडेंट्स बात मानते हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट रहता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मानते नहीं कि चलो बोल रहे हैं बोलने, तो हमें क्या लेना है, हमें तो जैसा करना है हम अपने हिसाब से करेंगे, है ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे MCQs जो हैं आपके पूरे के पूरे मैंने यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स। अब जो है ट्रू फॉल्स आपके यहाँ पे भी मैंने 100+ ट्रू फॉल्स आपको दिए हैं, जो कि अगर किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में दिए जाएं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से लिख करके आ सकते हो और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जल्दी जल्दी मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लेना, नहीं तो जो है वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो फिर आप लोग ज़्यादा देखते नहीं हो, ठीक है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी शॉर्ट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ नोट्स, आप लोग अच्छे तरीके से भी प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर और भी सब्जेक्ट्स की जो है वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी चैनल पे। अगर आप लोग नए हो चैनल ज़रूर से हम लोगों का जो है सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। इससे क्या है नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है जब भी हमारी कोई वीडियो अगर हम लोग डालते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उस नोटिफिकेशन से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि हमारी वीडियोस आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया, टाइमली आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है कर पाओगे, ठीक है। और दूसरे बच्चों के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी बच्चे जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिनको नोट्स सही तरीके के नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो फेल होते हैं हर बार, तो उनके लिए भी हमारी ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहे, अच्छे एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ वो लोग। उनके साथ भी ये वीडियो जो है आप लोग शेयर किया करो, खुद भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग कर लो, इससे आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर हमारी वीडियो आपको लगती है कि हेल्पफुल होती हैं आपके लिए तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे क्या है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली होती हैं चीज़ें। और सिलेबस बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बोलते हैं कि मैम हमें सिलेबस की PDF जो है नहीं मिलती, हम कैसे ये करें, तो परेशान होते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आप लोगों को जो है PDF मिल जाएगी सिलेबस की, वहाँ से आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से देख करके कर सकते हो, किस तरीके का सिलेबस है, कौन से चैप्टर्स आपको फोकस करने हैं, मैंने वो आपको बता ही दिए वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर और भी सब्जेक्ट्स जो है जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगी, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से कर पाओ और अच्छे एग्ज़ाम में जो है स्कोर कर पाओगे, तो आप लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी और हमारे लिए भी खुशी होगी कि नहीं हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स जो है हमारी वीडियो से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे चीज़ें। वैसे ही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे फिलिंग दी ब्लैंक्स जो है मैं प्रोवाइड कर दे रही हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे ब्लैक वाले ये से जो लिखा गया है ये क्वेश्चन है, रेड वाले में जो है रेड वाले से जो मैंने लिखा है ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये मत सोच लेना कि मैम ने सिर्फ क्वेश्चन दे दिया आंसर नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे आंसर्स भी मैंने दे रखे हैं,
आराम से फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद जो है अच्छे तरीके से इसे मतलब आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो और अच्छा स्कोर कर पाओ आप लोग, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी दिए हैं अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर अगर कर लेते हो तो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर नहीं कर पाओगे तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत भी होगी, ठीक है। मैथ्स दी फॉलोइंग वगैरह भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ज़्यादातर आएगा नहीं लेकिन काफ़ी बार दे देते हैं टीचर, तो फिर भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब यहाँ पे जो है यहाँ से आपके चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसे आप लोग देखो, नोट डाउन करो, प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर लेना। चैप्टर वाइज यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे नोट्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में जो है इसी मतलब PDF में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लो ताकि कोई भी दिक्कत आपको एग्ज़ाम टाइम में नहीं आए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिया है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को मतलब डिफरेंस बिटवीन भी जो है दे सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अगर आप लोगों को दे देते हैं तो आपको कॉलम बना करके जैसे कि यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखोगे ब्लैक पेन से हाईलाइट करके, बाकी यहाँ पे ब्लू पेन से आपको लिखना है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन की जगह डिफरेंस बिटवीन भी आपको दे दिया जा सकता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चैप्टर फाइव, यहाँ पे भी चैप्टर फाइव में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में कोई भी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर और भी सब्जेक्ट्स जो है मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोग जल्दी जल्दी अपनी प्रिपरेशन कर लो। एडवांस में प्रिपरेशन रहेगी अगर आपकी तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अनदर सब्जेक्ट्स भी अगर आप लोग चाहते हो कि हमें वीडियो से पहले ही हमें वो नोट्स चाहिए तो आप लोग फीस को पे करके भी आप वो नोट्स ले सकते हो। हमारे जितने भी नोट्स आपको मिलेंगे, आपके जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया है उसी तरीके के ऊपर जो है हमारे सभी के सभी नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नोट्स नहीं है जो आपको ओल्ड मिलेगा, ठीक है। सभी जो है नोट्स आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ मिलेंगे। एंड अदर चैनल्स पे भी आपको हर एक सब्जेक्ट के जो है नोट्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाया है हम लोगों ने जल्दी करवा दिया, इसलिए क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम पास हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मतलब वीडियो का वेट करते हैं तो वो लोग वीडियो से देख करके बनाते हैं। जिन स्टूडेंट्स को वीडियो का वेट नहीं करना चाहते हम पहले ही लेकर के अपनी प्रिपरेशन जो है कर लेंगे, हमें वीडियो का वेट नहीं करना है। तो आप लोग जो है फीस को पे करके भी नोट्स जो है आप पहले लेकर के अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी नोट्स आपको चैप्टर वाइज मैं दे रही हूँ, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर सब्जेक्ट्स भी मैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स रट के नहीं जाना, क्वेश्चंस आपके पास हैं, आंसर्स भी आपके पास हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब प्रॉपरली नोट्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नोट्स जो है आप ले करके एक अच्छी प्रिपरेशन, अगर आप चाहते हो कि हम पहले से ही अच्छी प्रिपरेशन करके रखें और एक अच्छे मार्क्स जो है हम लोग ले करके आ पाएँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हमारा चैनल बहुत ही बेनिफिट वाला रहने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं,
ठीक है, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से हम नोट्स लेंगे, सही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे या नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ पे आप अभी तक की जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हुई हैं आप उनमें भी देख सकते हो जा कर के, वहाँ पर भी सभी सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो पूरे के पूरे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कोई भी ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नोट्स नहीं डाले। इसलिए नहीं डाले क्योंकि अगर आप लोगों को सही चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना, तो आप फिर नोट्स लेकर के भी आपका क्या ही बेनिफिट हो रहा है कि आप नोट्स अगर कहीं से भी हमारे चैनल से लो या आप अनदर कहीं से भी लोगे, ठीक है, तो आपको बेनिफिट तो एटलीस्ट होना चाहिए कि नहीं, हमने फ़ीस पे करके अपने नोट्स लिए हैं तो वो हमारे लिए कोई बेनिफिट भी है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, है ना। लेकिन आपको अनदर चैनल पे ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अभी मिल रहे होंगे, लेकिन हमारे चैनल पे मैंने हर एक वो चीज़ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाई है हमारे टीचर्स के थ्रू, जिससे कि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी नोट्स हैं वो एनएएस के एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा ये रेडी होते हैं, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है। तो आप लोग इन नोट्स से अच्छे तरीके की प्रिपरेशन जो है कर सकते हो। अनदर सब्जेक्ट्स भी अगर आपको पहले चाहिए कि नहीं हमें वीडियो का वेट नहीं करना, हमें पहले ही चाहिए, तो आप पहले भी ले करके ये नोट्स जो है अनदर सब्जेक्ट्स के भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत सारे मतलब चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स वगैरह के लिए भी नोट्स नहीं मिलते, लेकिन हमारे यहाँ आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी आपको जो है सब्जेक्ट्स वाइज नोट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर और भी अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको वीडियो जो है चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट नेम, क्लास, मीडियम बता सकते हो। उसके ऊपर भी जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये जितने भी नोट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हमें भी तो ये पढ़ना पड़ता है ना, बुक्स को पढ़ने के बाद ही आपको ये नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ पढ़े कुछ भी आपको दे दिया जाए और आप जा कर के मतलब अच्छे से स्कोर कर पाओगे, तो चीज़ों को हमें भी पढ़ना पड़ता है तभी जा कर के आपकी वीडियो आती है। अब आप लोग सोचो कि आपने अभी मतलब कमेंट किया और साथ ही साथ वीडियो जो है आपको अपलोडेड मिल जाए, ठीक है, तो इन नोट्स को बनाने में भी काफ़ी जो है टाइम हमारा लगता है। इतनी जल्दी तो ये नोट्स बन नहीं जाते, चीज़ों को पढ़ना है सही तरीके से, उसके बाद जो है आपको नोट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करो ताकि जितनी जल्दी हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए उतनी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अभी हमने कमेंट किया साथ ही साथ वीडियो जो है आ जाए, तो चीज़ों को बनाने में भी वक्त लगता है। एक अच्छे नोट्स जब कोई भी टीचर अगर आपको देगा तो उसके लिए एक वक्त लगता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी नोट्स हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। चैनल पे अगर अभी तक आप लोग नए हो, ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी हमारी वीडियोज़ आएंगी, तो आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सॉल्व टीएमए प्रैक्टिकल नोट्स ढूंढते हैं सही मतलब अच्छी मिल जाए जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आए, तो आपको ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलती हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है ना। काफ़ी जगहों पर जो है डायग्राम्स रहते हैं, तो बच्चे पूछते हैं क्या मैम हमें डायग्राम भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर आपको डायग्राम दिया गया है तो ऑब्वियसली आपको वो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, विदाउट ड्रॉ किए तो आपके मार्क्स आएंगे नहीं, है ना। तो ड्राइंग भी जितने हद तक पॉसिबल हो पाए आप लोग थोड़ा ड्राइंग पे भी प्रैक्टिस कर लिया करो, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा तो अच्छे से आप लोग कर पाओ। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हम तो मतलब राइटिंग थोड़ी अगर ज़्यादा अच्छी ना हो तो क्या मार्क्स कटेंगे। मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी हो, आपका आंसर सही होने से मतलब है, ठीक है। लेकिन राइटिंग ऐसी भी नहीं लिख देना आप लोग जिससे कि टीचर को समझ में ही ना आए। टीचर को समझ में नहीं आएगा तो फिर ऑब्वियसली आपके मार्क्स कट होंगे, है ना। राइटिंग लिखो अच्छे तरीके से आप, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए नहीं चले जाना कि अच्छा करते हुए आपका जो आता हुआ क्वेश्चन भी है वो आप मतलब छोड़ करके आ जाओ उसे, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, आप लोग सोचते हो कि मैम मतलब हमें क्वेश्चन किस तरीके से
पेपर को अटेंड करना चाहिए जिससे कि हम अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, जब आप क्वेश्चन पेपर अपना देखते हो, पहले जो क्वेश्चंस आपको सबसे पहले आते हैं उन क्वेश्चंस को आपको पहले करना चाहिए, क्योंकि आपको आता हुआ क्वेश्चन है अभी माइंड सेट में, नहीं हमें ये बहुत अच्छे से आता है, वो पहले कर लो। अब जो आपको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, पूरा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, तो आप उसे सेकेंड राउंड में करो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आपको सोच करके लिखना है, बना के लिखना है, तो वो सबसे लास्ट में करो आप। इससे क्या है, आपका टाइम सेव होगा, जो आता हुआ क्वेश्चन आप पूरा लिख करके आ रहे हो, ठीक है, एटलीस्ट वो आपके पास होने में हेल्प कर देगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है करना है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल मैंने आपको पूरे चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, MCQ वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करके आप लोगों को दे दी है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। जो स्टूडेंट्स विदाउट स्किप ये चीज़ों को देखते हैं उनके लिए हेल्पफुल है, नहीं देखते हैं उनके लिए लॉस है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस नोट्स की बेस्ट, मतलब जो भी बेस्ट नोट्स अगर आपको PDF फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट करके फ़ीस को पे करके ले सकते हो। कांटेक्ट नंबर 8250129920, ये HKNS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स जो है मैं देती रहती हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वहाँ ज्वाइन हो जाना आप लोग, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए हमारे चैनल पे आती रहेगी।